घी भी मिट्टी की हांडी से ही निकालती थी, दही का मट्ठा भी मिट्टी की हांडी में ही बनता था। अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बर्तन क्यों इस देश में आए, हम भी एल्यूमिनियम बना सकते थे। देखिए बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये कि हिंदुस्तान भी 2000 साल पहले 5000 साल पहले एल्यूमिनियम बना सकता था, क्योंकि एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल इस देश में भरपूर मात्रा में है। बॉक्साइट, हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं। कर्नाटक बहुत बड़ा भंडार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं। हम भी बना सकते थे, अगर बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। हमको जरूरत थी मिट्टी की हांडी की, इसलिए हमने मिट्टी की हांडी बनाई और उसी पर सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए। इसलिए कुम्हारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भैया मिट्टी के ही बर्तन बनाने हैं, माने तुमसे बड़ा वैज्ञानिक कौन। अब ये कुम्हार जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं इस देश के, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर हजारों साल से दे रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, हमने उनको नीची जाति बना दिया। हम कैसे मूर्ख लोग। वो नीचे कहां है जरा बताइए। अगर प्रेशर कुकर की कंपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर, वो ऊंचा आदमी है, तो ये कुम्हार नीचा कैसे हो गया। ये ऊंचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में, इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया। ये ऊंचा नीचा कुछ तो अंग्रेजों ने डाला, कुछ अंग्रेजों के पहले जो मुसलमान थे उन्होंने डाला, और कुछ अंग्रेज और मुसलमानों के जाने के बाद हम काले अंग्रेजों ने इसको ऐसा पक्का बना दिया कि कुम्हार इस देश में बैकवर्ड क्लास है। जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक काम कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना बनाकर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सिलेक्शन करता है वो। आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बर्तन नहीं बनते, एक खास तरह की मिट्टी है वही बर्तन बनाने में काम आती है, और एक खास तरह की मिट्टी है जो हांडी बनाती है, दूसरे खास तरह की मिट्टी में कुल्हड़ बनता है, तीसरे खास तरह की मिट्टी में कुछ और बनता है। ये मिट्टी को पहचानना कि इसमें कैल्शियम ज्यादा, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा, इसलिए हांडी इससे बनाओ, और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कम है इसलिए इसका कुल्हड़ बनाओ, ये तो बहुत बहुत बारीक और विज्ञान का काम है। ये सब कुम्हार कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं, बिना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं। तो हमें तो वंदन करना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए, कितने महान लोग हैं। दुर्भाग्य से सरकार की कैटेगरी में वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं। तो ये जो मिट्टी के बर्तन की बात हुई, वो मिट्टी के बर्तन की बात इसलिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सब कुछ सामान्य रहता है, इसलिए हमारे यहां एल्यूमिनियम के बर्तन या दूसरे मेटल के बर्तन का चलन कम है। भगवान के लिए तो बनाते नहीं, धातुओं के बर्तन में खाना नहीं बनता, सभी मंदिरों में भोजन और प्रसाद ज्यादातर मिट्टी के। तो आप भी कर लीजिए ये काम, प्रेशर कुकर निकालिए, मिट्टी की हांडी ले आइए। तो आप कहेंगे जी दाल देर में पकेगी, सिद्धांत ही वही है दाल का, तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी। तो आप बोलेंगे फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। मैं आपको सरल बता देता हूं, दाल को हांडी में रख के चढ़ा दीजिए, बाकी सब काम करते रहिए, घंटे डेढ़ घंटे में पक जाएगी, उतार लीजिए फिर खा लीजिए। घंटे डेढ़ घंटे में आपके झाड़ू पोछा, दूसरे बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, या जो भी काम करना है, पढ़ना लिखना, बच्चों को पढ़ाना, वो करते रहिए, वो दाल पकती रहेगी। ये है भागवत जी का सूत्र कि ऐसा भोजन नहीं करना जो बनाते समय पकाते समय सूर्य के प्रकाश से वंचित हो और पवन के स्पर्श से वंचित हो। यह तभी संभव है जब आप खुले बर्तन में खाना बनाए तो पवन भी अंदर आए और सूर्य का प्रकाश की किरणें भी अंदर आए खुले बर्तन में, और वो खुला बर्तन सबसे अच्छा मिट्टी का हांडी। आप कहें जी मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो हमारे यहां एक मेटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं एलॉय है, कांसा। कांसा आपने सुना है, देख शायद देखा भी हो कहीं किसी के घर में। तो दूसरा सबसे अच्छा माना जाता है कांसा, तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है पीतल। अब ये कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बर्तन में पकाएं तो उसके
सिर्फ 3% माइक्रोन्यूट्रिएंट कम होते हैं, 97% मेंटेन रहते हैं। पीतल के भगोने में पकाएं तो 7% कम होते हैं, 93% बचे रहते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ 7% बचते हैं, बाकी खत्म होते हैं। अब आप तय कर लीजिए आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर बात आप करेंगे, माने जो खा रहे हैं वो पूरे शरीर में पोषकता दे, ये लाइफ की क्वालिटी की बात आप करेंगे तो मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा, माने भारत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा इंडिया से। अभी हम हैं इंडिया में, जो बनाया अंग्रेजों ने या बना दिया अमरीकियों ने, इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। और मैंने पिछले 1-2 वर्षों में ये बातें गांव गांव में कहना शुरू किया है, तो इसका परिणाम पता है क्या, कि कुम्हारों की इज्जत बढ़ गई है गांव में। गांव वाले समझते हैं कि ये तो कोई बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए। और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुम्हारों की इज्जत इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बराबर आ जाएं, क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है, क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है। भले वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, बहुत वैज्ञानिक काम वो कर रहे हैं। और मजे की बात कि वो हांडी बना के आपको 20-25 रुपए में ही दे रहे हैं, प्रेशर कुकर तो 250-300 रुपए का है। और सबसे मजे की बात कि ये हांडी जब खत्म होगी, माने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वही मिट्टी से हांडी बन जाएगी।